हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWTA की तरफ से एक नई वैकेंसीज को रिलीज़ किया गया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आउट की गई है। यदि आपने यहाँ पर डिग्री किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। परमानेंट जॉब आप सभी के लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो वीडियो को एंड तक से जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैं डिटेल से आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर यदि पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आउट की गई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और भी वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई है, तो मैं वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। 35,400 से स्टार्ट होने वाली आपकी सैलरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 7 है, OBC के लिए 4 है और ST के लिए 1 है, EWS के लिए भी 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 निकाली गई है। मिनिमम एज आपके यहाँ पर 18 से 27 साल रखी गई है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए भी वैकेंसीज आउट है। अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी वैकेंसीज आउट की गई है, जिसमें 18 से 27 साल आपकी एज रखी गई है और सैलरी आपको यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यदि आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और डिजायरेबल आपके पास डिग्री है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए यदि आपके पास डिग्री है कॉमर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CA वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए ITI वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, जिसमें आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, MS Word का, Office Excel, PowerPoint का। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास यहाँ पर मांग लिया गया है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों 18 मार्च से स्टार्ट हुई है, और सबसे पहले आप ये वीडियो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और जो इसका रिटर्न टेस्ट और CBT होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है 890 रुपीज़ प्लस GST प्लस बैंक चार्ज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 550 रुपीज़ प्लस GST प्लस बैंक चार्ज यहाँ पर रखा गया है। एज में रिलैक्सेशन आपको दिया जाने वाला है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। अब हम आगे बात कर रहे थे दोस्तों कि सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो पहली स्टेज में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। सेकंड स्टेज में आपका यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स को इंक्लोज करना है, फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। इसके डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से आकर चेकआउट करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आप पहले डाल सकते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एप्लीकेशन फुल नेम डालना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फादर नेम डालना है, नेशनलिटी डालना है और आप मेटेरियल स्टेटस डालना है। साथ में आपको यहाँ पर आधार कार्ड भी डालना रहेगा। कैटेगरी, फीस अमाउंट और जेंडर आपको यहाँ पर डालना है। और फाइनल आपको यहाँ पर यदि आप एक सर्विसमैन हैं, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अदर वर्ड में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, करंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, सिटी, पिन कोड, ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस का भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसकी साइज 100 KB तक होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, कैप्चा फिल करना है,
और यहाँ पर चेकबॉक्स को क्लिक करके आपको यहाँ पर कर देना है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप सबमिट कर देंगे, पेमेंट के लिए डायरेक्ट हो जाएगा, पेमेंट आपको कर देना है और आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। यदि कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आप सभी के लिए 2 से 3 वीडियो की अपडेट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, हम सबसे पहले वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।